हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिंटिंग के लिए किस तरीके से पीएस प्लेट को सीटीपी द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है, फाइल प्रिपरेशन से लेकर रिपिंग के बाद, एक्सपोजिंग के बाद, डेवलपिंग तक का प्रोसेस जानेंगे। और साथ ही मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में बता सकूं। तो दोस्तों बिना देर करें चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से किसी फाइल को प्रोसेस करके हम सीटीपी प्लेट बनाते हैं, तो जो हम प्लेट बनाने के लिए हम फाइल को प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हमने एक सैंपल के लिए फाइल ले ली है जो कि आपके सामने है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि फाइल के साथ साथ कई सारी चीजें और भी आपको दिख रही हैं कि जैसे बॉक्स है। तो ये दोस्तों ये जो बॉक्सेस हैं ये जो बनाए गए हैं ये प्लेट साइज के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसा कि हम जो आज प्लेट बनाने वाले हैं वो उसकी साइज है हमारी 560 mm to 670 mm। तो ये बेसिकली 560-670 जो मशीन होती है जिनकी साइज होती है उनके लिए ये प्लेट बन रही है। तो ये जॉब है और जॉब के साथ साथ आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ छोटा मोटा ये चीज दिखा दूं कि फाइल में बेसिकली और क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स हैं जो कि चारों तरफ जॉब के लगे हुए हैं। तो इनका लगाने से मतलब ये है कि जो जब प्रिंटिंग होगी तो इनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये प्रेस लाइन डाल दी गई है जिसमें जॉब की डिटेल्स, पार्टी का नाम, साथ ही ये इसमें क्या क्या होने वाला है तो ये सब डिटेल्स यहाँ डाली जा सकती है। ये ग्रिपर साइड हमने रखी है। ये जो साइड है बेसिकली ये ग्रिपर साइड है, ये जो मैं रेड इसको कलर कर देता हूँ तो ये साइड जो है वो ग्रिपर साइड है और ये जो साइड है ये नॉन ग्रिपर साइड है। ये जो है ये नॉन ग्रिपर साइड है। तो ग्रिपर साइड और नॉन ग्रिपर साइड जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, बाकी किसी भी जॉब को तैयार करने के लिए, प्लेट से पहले किसी जॉब को तैयार करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या जॉब की डिटेल्स को ध्यान रखना होता है उसके लिए हम अलग से एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें आपको पूरी जॉब की डिटेल को समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आज हम पीएस प्लेट बनाना सीखेंगे कि कैसे सीपी मशीन पर आप प्लेट बना सकते हैं, किस तरीके से फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं, तो उन स्टेप्स को आज हमें जानना है। तो सबसे पहले है कि प्रिपेयर योर फाइल अकॉर्डिंग टू योर प्लेट साइज और प्रिंटिंग मशीन साइज। तो जैसा कि हमें पता है कि ये 560-670 साइज की मशीन पर प्रिंट होने वाला है तो उसी हिसाब से हमने प्लेट साइज में ग्रिपर और नॉन ग्रिपर साइड और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन मार्क्स हैं, प्रेस लाइन है, ये सभी चीजें इसमें इनपुट डाल दिए हैं। तो हमारी ये फाइल जो है वो रेडी है। अब इस फाइल को हम पीडीएफ बना लेते हैं। ये पीडीएफ में भी कई तरीके की हमें सेटिंग्स का ध्यान रखना होता है जिसे हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि हमारा आउटपुट कलर है CMYK होना चाहिए, नहीं तो RGB नहीं होना चाहिए, ग्रे स्केल नहीं होना चाहिए, नेटिव नहीं होना चाहिए, CMYK होगा क्योंकि हमारी मल्टी कलर जॉब है, इसे हम 4 कलर में प्रिंट करने वाले हैं। और जो JPG क्वालिटी है वो कंप्रेशन जो है वो एकदम हाई होना चाहिए ताकि आपकी जो इमेजेस हैं वो एकदम शार्प, अच्छी और हाई रेजोल्यूशन में आए। साथ ही जैसे कि और टिक्स हैं जैसे कंप्रेस टेक्स एंड लाइन आर्ट, ये सब चेक होने चाहिए ताकि आपका कोई भी टेक्स्ट मिस ना हो। ये सभी होने के बाद आप इसे ओके कर सकते हैं और साथ ही एक फाइल बना सकते हैं। इसे आप जैसे ही सेव करेंगे ये फाइल, एक सेकेंड इसको मैं बना देता हूँ सैंपल जो हम सैंपल बनाने वाले हैं और इसमें ये अब रेडी है हमारे रिप सॉफ्टवेयर में जाने के लिए। तो अब हम इसी फाइल को हमारे रिप सॉफ्टवेयर पे खोलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने रिप सॉफ्टवेयर पर। तो रिप सॉफ्टवेयर का नाम है नेविगेटर और ये Zitron कंपनी का प्रोडक्ट है नेविगेटर, जिसमें हम फाइल को रिप कर सकते हैं यानी कि रास्टर इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारी फाइल और फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको ओपन फाइल करना है, साथ ही ये
जो फाइल है हमारी, अच्छा इसमें पेज सेटअप, पेज सेटअप का मतलब होता है कि जो आपकी फाइल है वो किस तरीके के डॉट्स चाहिए उस पर आपको, उसी तरीके के आपको डॉट्स का सिलेक्शन करना है, यानी कि 200 कलर, यानी कलर फाइल है और 200 डॉट्स हमें इसमें चाहिए, यानी बारीक से बारीक डॉट यहाँ आने वाले हैं। तो जैसे ही हमने इसको रिप किया, रिप करते ही आप देखेंगे कि रिपिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब आपको ये जो फाइल थी हमारी, जो हमने फाइल तैयार की, वो CMYK में अलग अलग एक्सट्रैक्ट होगी, यानी कि चार अलग अलग फाइल CMYK आपके सामने यहाँ रिप हो रही हैं। इनका यानी कि कलर सेपरेशन का जो प्रोसेस है उसे हम रिपिंग कहते हैं या रास्टर इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं, वही अब हो रहा है। तो जैसा कि इसमें इस काम में समय लगता है, फाइल के साइज के अकॉर्डिंग, फाइल के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें समय वेरी करता है। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसकी रिपिंग, जो हमारी फाइलें हो चुकी हैं, कलर सेपरेट हो चुकी है, तो उसको अब चेक करते हैं कि ये सही तरीके से हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फाइल है उसको रोम करके देखा जाता है, तो रोम करने का मतलब है कि पूरी फाइल को एक साथ देखा जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कलर सेपरेट करके फाइल के, यानी कि अलग अलग, जैसे ये सियान है तो सियान इस तरीके से दिखेगा, मतलब प्लेट पर इस तरीके से सियान की इमेज होगी। उसके बाद मेजेंटा है और उसके बाद हम येलो और उसके बाद हम ब्लैक को देखेंगे। तो इस तरीके से चारों कलर सेपरेट को हम अलग अलग करके देखते हैं। उसके बाद हम ब्लैक को चेक करते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो ओवर प्रिंट है या नहीं। जिस तरीके से आपको ब्लैक दिखेगा, ये ब्लैक को हम चेक करते हैं ताकि ब्लैक हमेशा ओवर प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद देखिए डॉट्स इस तरीके से आपको नज़र आते हैं जब आप इनको एनलार्ज करके देखते हैं, तो ये डॉट जो होते हैं ये जैसे स्किन टोन के जो डॉट्स होते हैं, चारों कलर मिक्स होकर इस तरीके से आपको दिखते हैं। और प्रिंटिंग के बाद भी अगर आपको एनलार्ज करके देखेंगे तो आपको इसी तरीके से डॉट्स नज़र आएंगे। उसके बाद हम ब्लैक कलर को चेक करते हैं, उसके बाद सियान, इस तरीके से सभी कलर्स को अलग अलग करके चेक किया जाता है और उनके डॉट्स एंगल को देखा जाता है, स्क्रीन एंगल्स को देखा जाता है। जैसा कि मैंने अपने एक स्क्रीन एंगल्स के एपिसोड में आपको स्क्रीन एंगल्स के बारे में बताया हुआ है, सॉलिड जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर, या 100% जो कलर होता है वहाँ पर डॉट्स नहीं होते हैं। उसके अलावा जहाँ भी आपके कलर परसेंटेज होगी वहाँ डॉट्स होंगे, जैसे कि ये सियान में आप देख सकते हैं डॉट्स किस तरीके से हैं, वैसे ही जो और कलर्स हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। ये येलो के साथ जब सियान होता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं येलो के डॉट्स इस तरीके से दिखते हैं, तो जो स्क्रीन एंगल्स हैं वो यहाँ साफ साफ देखे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ये ब्लैक में आप देख सकते हैं कि ब्लैक में डॉट्स कैसे दिख रहे हैं, तो यही एक जो फाइल में देखने वाली चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि आपकी जो कलर सेपरेशन है वो कितना बेहतर हुआ है, और जो हमने डॉट्स लिए हैं वो बहुत फाइन डॉट्स लिए हैं ताकि हमारी जो इमेज है बहुत ही शार्प आए और हाई रेजोल्यूशन के साथ आए। तो ये हमारा जो रिपिंग का था वो हो गया चेक, तो हमें ये सब इसमें सब कुछ सही है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं हमारे CTP मशीन के सर्वर के टेम्पलेट में। तो वो टेम्पलेट क्या होता है, वो मशीन की जो आपकी प्लेट साइज़ है उसका टेम्पलेट होता है, वो मशीन को ये रीड करने में मदद करता है कि आपको कौन सी साइज़ की प्लेट लगानी है या इस फाइल के द्वारा कौन सी साइज़ की प्लेट एक्सपोज करनी है। तो अब हम अपने CTP रूम में पहुंच चुके हैं, CTP मशीन आपके सामने है जिससे हम प्लेट एक्सपोज करेंगे। उसके एक्सटीरियर कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो इसमें पहला जो होता है वो एग्जॉस्ट जो कि आपके सामने है, ये जितनी भी हॉट एयर या जो एक्स्ट्रा एयर होती है आपके CTP मशीन में प्लेट एक्सपोजिंग से पहले या बाद में, तो उसको रिलीज़ करता है। साथ ही ये जो दूसरी यूनिट है वो है वैक्यूम पंप जो कि वैक्यूम क्रिएट करने में मदद करता है ताकि मशीन के न्यूमेटिक पार्ट्स अपना फंक्शन सही से कर सकें। अब हम अपनी प्लेट को एक्सपोज करने के लिए प्लेट को इंसर्ट करते हैं हमारी मशीन के अंदर। तो ये पहली प्लेट हमारी मशीन के अंदर गई और इसमें थोड़ा समय लगता है एक्सपोज होने में, लेकिन मैंने यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके आपके लिए प्लेट को जल्दी ताकि एक्सपोज हो और कम टाइम में हमें
समझ में आए कि किस तरीके से प्लेटें एक्सपोज होती हैं। ये CTP मशीन का बेसिकली सर्वर का डिस्प्ले है कि किस तरीके से फाइल प्रोसेस होती है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, टेम्परेचर, एक्सपोजर, ड्रेन स्पीड और आपका काउंटर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं। प्लेट की थिकनेस के बारे में इसमें होता है, प्लेट फाइल की डिटेल इसमें होती है, कौन सी साइज़ की प्लेट लग रही है ये चीज़ होती है, तो बहुत सारी डिटेल्स इसके ऊपर होती हैं जो सभी आपकी प्लेट को एक्सपोज करने में मैटर करती हैं। ऐसे ही हमने एक एक करके चारों जो प्लेट हैं CEMYK, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, उनको एक्सपोज कर लिया है। अब आपको लेटेंट इमेज मैं दिखाता हूँ कि एक्सपोजिंग के बाद प्लेट पर कैसे लेटेंट इमेज, जिसको ब्लाइंड इमेज भी कहते हैं, वो कैसे इमेज क्रिएट होती है और किस तरीके से आपको नज़र आती है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक डार्क ब्लू कलर का एक जो एरिया है वो प्लेट पर दिख रहा है, तो वही लेटेंट इमेज होता है जो कि एक्सपोजिंग के बाद आपको निकल कर बाहर आता है। हम एक्सपोजिंग के बाद डेवलपिंग करते हैं प्लेट की, तो डेवलपिंग के लिए जो इंसर्ट करने का एरिया है वो हमारा डेवलपर साइड होता है, जहाँ सबसे पहले डेवलपर होता है उस तरफ से प्लेट इंसर्ट की जाती है। डेवलपर के बाद जो होता है वो वॉशिंग, और वॉशिंग के बाद आपका गमिंग होता है। ये गमिंग होकर जो हमारी दूसरी साइड है, यानी कि आउट होने की साइड है, डिलीवरी साइड है, वहाँ पर आपका प्लेट जो है डेवलप होकर आ गई है। उसके बाद हमने दूसरी प्लेट को उसी तरीके से इंसर्ट किया डेवलपर में, और उसको डेवलपर के अंदर डालने के बाद, और जो आपकी डेवलपर का मेनली बेसिक काम है कि आपकी लेटेंट इमेज को कन्वर्ट करता है विजिबल इमेज में, ताकि आपका इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया सेपरेट हो सके कम्प्लीटली, तभी आप इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्लेट भी डेवलप हो चुकी है। इसकी तरह हम तीसरी, चौथी, सभी प्लेटों को इसी तरीके से आपकी डेवलप करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक डेवलपर मशीन में रोलर्स के द्वारा और बाकी पार्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा डेवलपर सेक्शन, जिसमें डेवलपर LSP 19 होता है, जिसका रेशो 1 लीटर आपका डेवलपर और 9 वाटर का, लेकिन इसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने प्लेट्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपर के बाद डेवलपर का रिमेनिंग कोई भी पार्ट आपकी प्लेट पर होता है, तो उसको वॉश करने के लिए वाटर्स की ड्रॉपलेट्स के द्वारा उसे वॉश किया जाता है। उसके बाद जो आपकी तीसरी जो चीज़ होती है वो गमिंग होती है। गमिंग, ये आप सेक्शन देख रहे हैं गमिंग का, जिसमें थोड़ा थोड़ा गम, जिसे हम यूनिफिन कहते हैं, वो आपकी प्लेट पर अप्लाई हो रहा है रोलर के द्वारा। तो ये इस तरीके से जो आपकी प्लेट है पूरी डेवलप, वॉश और गमिंग होकर बाहर आती है। गमिंग का बेसिकली काम है कि आपकी प्लेट के इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को ऑक्सीडेशन से बचाना या ऑक्सीजन के रिएक्शन से बचाना, इसीलिए गमिंग की जाती है। और अगर आपकी प्लेट को बेक करना है तो हमें वहाँ पर गमिंग नहीं करनी चाहिए, उसे बिना गमिंग के ही रखना चाहिए, ताकि जो गम है वो आपकी प्लेट पर स्टिक ना हो और बेकिंग के दौरान किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो हमारी प्लेट सारी डेवलप हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना कि प्रिंटिंग के लिए PS प्लेट कैसे CTP के द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों, इस एपिसोड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स सेक्शन में जाकर बताइए, और लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रिंटिंग से रिलेटेड एपिसोड्स लाते रहते हैं हर हफ्ते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हर सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।